देवेंद्र फडणवीस कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बीजेपी ने इस शपथ ग्रहण के लिए खास तैयारी की है। वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस हाई प्रोफाइल शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। जाहिर है सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मोदी और अमित शाह के अलावा न सिर्फ बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शरीक होंगे बल्कि हजारों कार्यकर्ता भी पूरे प्रदेश से आएंगे। सुरक्षा में मुंबई पुलिस, एंटी टेरर विंग और कई दूसरी एजेंसियां भी शामिल होंगी। स्टेडियम में सुरक्षा के कई घेरे होंगे। हर घेरे की जिम्मेदारी डीसीपी के हाथ होगी। प्रधानमंत्री मोदी के आने और जाने का रास्ता और इंतजाम अलग होगा। स्टेडियम के अंदर सादा वर्दी में भी पुलिस वाले तैनात होंगे। स्टेडियम के आसपास तमाम ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स होंगे। माना जा रहा है कि 25 से 30 हजार बीजेपी कार्यकर्ता उस रोज समारोह में पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में भाजपा ने जहां देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शुक्रवार को अपनी पहली सरकार बनाने की तैयारी कर ली है, वहीं पार्टी से अलग हुई सहयोगी शिवसेना ने कहा कि वो इस बारे में अपना फैसला आज बताएगी कि पार्टी भाजपा की सरकार का हिस्सा बनेगी या नहीं। बातचीत में शिवसेना के वरिष्ठ नेता लीलाधर दहाके, मनोहर जोशी, दिवाकर रावते, रामदास कदम, गजानन कीर्तिकर और सुभाष देसाई भी शामिल थे। शिवसेना सूत्रों ने कहा कि उद्धव स्वयं पार्टी का अंतिम निर्णय बताएंगे।